there. So, today we have seen 2 points, what I feel. What is, first point was what? What is the role of? Judiciary. तो जुडिशरी के रोल को आपने देखा कि जुडिशरी के पहले बात तो हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन जुडिशरी, हाउ मेनी लेयर्स, थ्री लेयर्स, वेरी गुड. सबसे छोटे लेयर कौन है? लोअर कोर्ट. इसके बाद जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, वेरी गुड. हाई कोर्ट, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट. तो ये तीन लेवल पर है हमारा जुडिशल सिस्टम, ठीक है. और अगर कोई ग्रीवांस होता है तो हम जिस तरह के ग्रीवांस होते हैं उसी तरह के कोर्ट में भी हम अपील करते हैं. हर कोर्ट के अपना ज्यूरिसडिक्शन, जिसको कहते हैं कि क्षेत्राधिकार, ठीक है, वो सब लिमिटेड होता है. बड़े पॉइंट, जैसे क्लास में क्लास मॉनिटर का अधिकार किस पर है? अपने क्लास सेक्शन के ऊपर. ऐसा नहीं कि वो क्लास मॉनिटर 8F का है और 8C के बारे में सोचने लगे, ऐसा नहीं हो सकता ना. तो इसी तरह जुडिशियल सिस्टम में भी क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अपने अधिकार हैं, हाई कोर्ट के अपने अधिकार हैं, और सुप्रीम कोर्ट तक पूरे देश में ही उसका अधिकार है, ठीक है. कोई भी मैटर होगा वो बहुत अर्जेंट है, पब्लिक के बहुत ही जीवन से जुड़ा हुआ है, पब्लिक के हेल्थ से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे मैटर भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लेकिन जनरली क्या होता है कि हम एक सिस्टम को फॉलो करते हैं जो कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है. और हम धीरे धीरे छोटे कोर्ट से बड़े कोर्ट की तरफ जाते हैं. हम भी क्लास में कोई बात होती है तो पहले मॉनिटर, सब्जेक्ट टीचर या क्लास टीचर, वाइस प्रिंसिपल, तब प्रिंसिपल, ऐसे जाते हैं. गॉट अ पॉइंट? ये तरीका होता है. गॉट अ पॉइंट? तो आपने जुडिशियल सिस्टम को कल उस पर हमने चर्चा किया कि हमारे जो थ्री विंग्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इन तीनों विंग का अपना अपना रोल है. लेजिस्लेचर क्या करता है? कानून को बनाता है. और कानून कहाँ बनता है? पार्लियामेंट के माध्यम से. और कानून बनने के लिए 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, करेक्ट ना, ठीक है. और कानून बनने के लिए एक गवर्नमेंट, जो भी सरकार में होती है, जो भी सत्ता में है, जैसे हमारे इस समय आदरणीय मोदी जी हैं सत्ता में, तो वो क्या करते हैं, एक बिल पेश किया जाता है सरकार की तरफ से, और उसको 2/3 की जब मेजोरिटी हो जाती है तो बिल पास हो जाता है और सरकार वो कानून बन जाता है. ये तरीका होता है. वो किसी में भी पास इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी. राज्यसभा में बस एक ही जो बिल होता है कानून, वो नहीं पेश किया जा सकता है, वो है हमारा मनी बिल, ठीक है. मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाता है. लोकसभा लोअर हाउस होता है और इसका बहुत बड़ा रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है. कानून बन गया तो कानून का पालन करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है. लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो गैर जिम्मेदार होते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं जो बहुत सेल्फिश होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा करती हैं, कुछ कम्युनिटीज, कुछ हर जगह कुछ ऐसे तत्व तो होते हैं, एलिमेंट होते हैं जो कानून का पालन नहीं करते, ठीक है. कानून बना, कानून का पालन करवाना एग्जीक्यूटिव का काम होता है. किसका काम होता है? एग्जीक्यूटिव का. कार्यपालिका हिंदी में क्या कहते हैं? कार्यपालिका. विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीन हिंदी में कहते हैं इसको. तो कार्यपालिका का काम होता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कार्यपालिका, कार्य का पालन करवाने वाला, एग्जीक्यूट करवाने वाला, उसको लागू करवाने वाला. लेकिन जब नहीं हो पाता है, कुछ लोग मसल पावर में विश्वास रखते हैं, बाहुबली हैं, ठीक है, वो फिल्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ताकतवर लोग हैं समाज में, वो लोग जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको दबाने का काम करते हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, कानून का पालन नहीं हो पाता है, ठीक है. तो वैसे समय में क्या जो गरीब हैं उनकी बात नहीं सुनी जानी चाहिए? बोलो, सुनी जानी चाहिए, ठीक है. जो पिछड़े हैं उनकी बात सुनी जानी चाहिए, तो आखिर कैसे सुनी जाए? तो ये कैसे का आंसर हमारा क्या है? जुडिशरी है. कैसे का आंसर क्या है? जुडिशरी. और यही रोल है जुडिशरी का कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, समाज के अंतिम वर्ग तक न्याय मिले. समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात, ठीक है. तो यही हमारा रोल ऑफ जुडिशरी. और हमने कल इस पर बात किया था, इंडिपेंडेंट ऑफ
डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कि कहीं विवाद हो जाता है तो उस विवाद का निपटारा कौन करता है, कोर्ट के माध्यम से ही होता है और ये जुडिशियल सिस्टम का पार्ट है। इसके बाद आता है जुडिशियल रिव्यू और अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। जुडिशियल रिव्यू पर हमने चर्चा किया था कि कानून समय समय पर कानून का मूल्यांकन भी होना चाहिए। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो और हम क्या पढ़ा रहे हैं इसका मूल्यांकन करने के लिए हम क्या करते हैं, PT1 एग्जाम, PT2 एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, PT3 एग्जाम, एनुअल एग्जाम, ये मूल्यांकन है जिसमें जो बच्चे जिस तरह की पढ़ाई करते हैं, जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा किया उसमें अच्छे मार्क्स आते हैं, फिर वो खुशी खुशी अगले लेवल पर जाते हैं। ठीक है, तो लोगों के लिए जो कानून बना उस कानून का भी मूल्यांकन सही तरीके से होना चाहिए, समय समय पर उसका भी मूल्यांकन करना जरूरी है। क्योंकि समय जो दादाजी का जो समय था, जो दादाजी का समय था वो आपका समय नहीं है। आपके समय की बातें अलग होंगी, दादाजी के समय की बातें अलग होंगी। बड़े पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, समझ में आ रही है? बड़े पॉइंट, तो जुडिशियल रिव्यू होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? जुडिशियल रिव्यू। मेरी बात समझ में आ रही है? और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि समय समय पर ये इंश्योर करता है, या हमेशा ही कह लो, ये कुछ बातें हमेशा ही होनी चाहिए, वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स। कौन सा राइट्स? फंडामेंटल राइट्स। उसको लागू करवाने का काम, वो उसका वायलेशन ना हो उस फंडामेंटल राइट्स जो कि बहुत ही इसेंशियल है हमारे और आपके और समाज के ग्रोथ के लिए, विकास के लिए, वेलफेयर के लिए, उसका पालन करवाना भी किसका काम है, हमारे जुडिशियल सिस्टम का काम है। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। चलिए पढ़ो बेटा। व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? हाँ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, चलिए कल इस पर चर्चा किया था, लेकिन चलो पढ़ो फिर से। चलो, इमेजिन अ सिचुएशन इन विच अ पावरफुल पॉलिटिशियन हैज इनक्रोच ऑन लैंड बिलोंगिंग टू आवर फैमिली विद इन दे बोलो जुडिशियल सिस्टम द पॉलिटिशियन हैज द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस अ जज फ्रॉम इस ऑफिस। व्हेन यू टेक इस केस टू कोर्ट द जज इज क्लियरली ट्रेड टू द पॉलिटिशियन, पार्शियल टू द पॉलिटिशियन। ठीक है, आगे बढ़ो। The control that the politician holds over the judge does not allow for the judge to take an independent decision. This lack of independence would force the judge to make all judgments in favor of politicians. Yes, although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process. Yes. The India Constitution protects against this kind of situation by providing for the independence of the judiciary. Very good. Chalo, again. One aspect of the independence in the separation of power. Power. This, as you read in chapter 1, is a key factor of the Constitution. What this means here in that other branches of government, the legislature and the executive cannot interfere in the work of the judiciary. The courts are not under the government and do not act to their behalf. For the above separation to work well, it is also crucial. Judge in the High Court as well as the Supreme Court are appointed with very little interferences from these other branches of government. Once appointed to the office, it is also very difficult to remove a judge. It
It is the independence of the judiciary that also the court to play a central role in increasing that ensuring that there is no measure of power by the legislature and the executive. It also plays a crucial role in protecting the fundamental right of cities, because anyone can approach the country if they believe that their right have been violated. ठीक है, देखो ये पॉइंट कहा जा रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. ठीक है, जैसे क्लास मॉनिटर क्लास में है और कुछ बच्चों के नाम बोर्ड पर लिखता है, लोग कुछ बच्चे कहते हैं कि सर वो उसका दोस्त है, उसके प्रभाव में आकर लिख दिया है. गुड पॉइंट, ऐसा आरोप लगता है ना. ठीक है, तो क्लास टीचर क्या करता है, ऐसे बच्चे को क्लास मॉनिटर बनाता है जिस पर उसको विश्वास है कि ये इम्पार्शियल होके काम करेगा. करेक्ट है कि नहीं, बताओ. क्लास टीचर उसको बनाता है जिस पर उसको फुल्ली वो बिलीव करता है कि हाँ ये बच्चा जो है गलत काम नहीं करेगा. इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना. आप हमारे दोस्त हो सकते हैं लेकिन आप गलत करोगे तो आपका भी नाम लिखा जाए, क्योंकि क्लास का डिसिप्लिन, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस क्लास को मैनेज करना, यही है इंडिपेंडेंट. कि अगर जज अगर मान लो किसी रिच आदमी के प्रभाव में आ जाए, इंदिरा गांधी को जेल में डिसीजन दे दिया एक जज ने कि इनका डिसीजन गलत है, जेल में डाला जा सकता है, एक डिसीजन कौन जज ले सकता है इस तरह का, जो इंडिपेंडेंट हो, जो डरे नहीं किसी से. नहीं तो मान लो भारत का प्रधानमंत्री को ऐसे कोई किसी केस में ऐसा बोल दे तो कितनी बड़ी बात हो सकती है. हो सकती नहीं हो सकती बताओ. अगर क्लास का मॉनिटर डर जाए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको मारेगा या करेगा वो करेगा, तो फिर वो डिसीजन ले पाएगा क्या? नहीं लेगा. कैसे कर लेगा? मेरे साथ मेरे क्लास टीचर है, मेरे साथ मेरे सब्जेक्ट टीचर है, मेरे साथ मेरा वीपी है, मेरे साथ मेरा प्रिंसिपल है, उसको गट से है नहीं कि नहीं है, बताओ. बोलो भाई. नहीं तो एक दुबला पतला बच्चे को क्लास मॉनिटर बना दिया जाता, अरे उस बच्चे में कुछ काबिलियत तो होगी तभी तो. बोलो भाई. इंडिपेंडेंट, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम नॉट गोइंग टू अफेक्टेड बाई योर बॉडी. ये बॉडी स्टडी मत दिखाओ मुझे. आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम नॉट गोइंग टू कम अंडर योर फियर. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू कम अंडर योर इन्फ्लुएंस. वॉट एवर यू कैन डू आई विल डू वॉट इज गुड फॉर माई स्कूल एंड माई क्लास. दैट इज अ वॉट इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी. ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो जो चीज आपके लिए सही है जुडिशियल सिस्टम के लिए भी वही एग्जैक्टली सही हो रही है. कोई रिच हो, कोई अडानी हो, कोई अंबानी हो, कोई टाटा हो, कोई बिरला हो, कोई हिंदुजा हो, कोई भी हो, अगर आपने गलती की है तो आपके अगेंस्ट में डिसीजन दूंगा. ठीक है, और सामने वाला कितना भी गरीब हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी. पावर का सेपरेशन होना चाहिए. ठीक है, ये पावर का सेपरेशन हर जगह, जैसे लेजिस्लेचर को कानून बनाने वाले को कानून के पालन करने वाले के काम में इंटरफेयर नहीं करना है, कानून को बनाने वाले को कानून को लागू करवाने वाले को जस्टिस देने वालों के मामले में इंटरफेयर नहीं करना है. आपने कानून बना दिया, कानून की साइकोलॉजी हम समझते हैं और मैं उसके आधार पर डिसीजन दूंगा. आपने कानून तो बना दिया है लेकिन उन परिस्थितियों को भी देखूंगा कि इन परिस्थितियों में ऐसा किया गया. यही है इंडिपेंडेंट जुडिशरी. समझ में आई बात? तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना बहुत जरूरी है, तभी न्याय की उम्मीद की जा सकती है. नहीं तो न्याय किसको मिलेगा? जो रिच है और पूर बेचारा पूरी लग गया, उसको न अच्छे वकील हायर कर सकता है न तो वो लड़ाई लड़ सकता है. समझ में आई बात? चलो. What is the structure of country in India? There are three different level of country in our court in our country. There are several courts at the lower level, which there is
only one at the apex level. The code that most people interact with at what are called subordinate or district code. These are usually to add the district or establish level or in towns, and they hear many kind of cases. Each state is divided into districts that are presides over. No, that are presided. Presided over by a district judge. Each state has a high court, which is the highest court of that state. At the top is the Supreme Court that is located in New Delhi and is presided over by the Chief Justice of India. The decision made by the Supreme Court and binding on all other country in India. Are these different level of court connected to each other? Yes, they are. In India, we have an integration judicial system, meaning that the decision integrated होगा ना sir, meaning that the decision made by higher court and binding on the power court another way on the lower court. Another way to understand this interaction is through the appellate system that exists in India. This means that a person can apply to a higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is most not just. Let us understand what we mean by the appellate system by tracking a case state Delhi administration versus Lakshman Kumar and other 1985 from the lower court to the Supreme Court. In February 1980, Lakshman Kumar married 20-year-old Sudha Goel and they lived in a flat in Delhi with Lakshman brothers and their family. On 2 December 1980, Sudha died in hospital due to burn. Her family filed a case in court. Filed a case in court. When his case has heard in the trial court, four of her neighbor were called in a witness. ठीक है. They stated that on the night of December 1, they had heard Sudha's scream and had fallen. चलो ठीक है, बस इतना ही आज. चलो ठीक है. आपने अभी तक जो पढ़ा बेटा, रीडिंग करवाता हूँ मैं आपको. स्ट्रक्चर्स ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, इसका जवाब बैठो बेटा. स्ट्रक्चर्स ऑफ कोर्ट इन इंडिया क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? ये पिरामिड की तरह है. कैसे है? पिरामिड की तरह है. इसमें सबसे ऊपर कौन सा है कोर्ट? उसके बाद इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट. ठीक है. और उसी ऑर्डर में हम प्रोसीड करते हैं जब हमारे पास कोई समस्याएं आती हैं. मतलब सबसे पहले लोअर कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट. यही ऑर्डर हम उसको फॉलो करते हैं. चलिए आज के लिए बस इतना ही करेंगे, कल फिर मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.